हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई वेबसाइट एक्सेस करने का सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं होम पेज। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर। ORG का संबंध किस क्षेत्र से? संगठन से। कॉम डोमेन का संबंध किससे? व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो आपको बता देना है 15 अगस्त 1995। संचार के उद्देश्य कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? मॉडेम। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www. से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित रखता है? वेबसाइट से। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन कार्य किस तरह से करते हैं? ई कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का पता कहलाता है URL। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहलाता है इनपुट। प्रथम माइक्रो प्रोसेस कौन सा था? इंटेल 4004। इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? 1982 में। फ्रेंटियम प्रोसेसर कब आविष्कृत हुआ? मार्च 1993 में। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए। 1 GB का मान कितना होता है? 109। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति होती है 100 GB/FLOPS। सुपर कंप्यूटर की मन मेमोरी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1024 MB। प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? क्रेवन। डोमेन के नामकरण में बेस्ट शैक्षणिक संस्था के लिए किस संकेत का उपयोग होता है? .edu। व्यवसाय कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? AD बूथ। जेट की भाषा क्या होती है? टेलीग्राफिक। प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया? 1981 में। सबसे सफल रहने वाला प्रथम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? साहब बिजी कैल्क। कौन एक इलेक्ट्रॉन डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? प्रोसेसर। कंप्यूटर और प्रोसेसर द्वारा किस इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? डेटा को। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल यूनिट डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए उपयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक फील्ड्स। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता है घर घर उपयोग। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के वाले उपयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन में किस धातु की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू होता है? द्वितीय पीढ़ी। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? बेल प्रयोगशाला में। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोटाइप। भारत का पहला वायरस कौन है? सीब्रेन। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? मेस। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है? टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है अर्पानेट। लिनक्स लिनक्स का एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रिबूटिंग।
माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से आया? चतुर्थ, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। लैन के अंतर्गत साधारण डाटा ट्रांसफर रेट कितना होता है? 1 से 100 MB/s। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? 64 बिट। MISD का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल डाटा। उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम शुरू हो जाता है? पाइपलाइनिंग। एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? 4.20 नैनोसेकंड। जब कंप्यूटर मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। बूटिंग। बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ? 1964 में। 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 10 की पावर -12 सेकंड। फ्लॉपी साइज का साइज होता है 3.25, 3.25 या 5.25। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM में। कौन सा पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया? फर्स्ट IBM 1401। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम है मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट किस कंप्यूटर है, किस प्रकार का? तो विद्युत पूर्णता स्वचालित। वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? 500 जोड़ प्रति सेकंड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है? 1946 से 1958। HEC-2M की मेमोरी कितनी है? 1 KB। 1 K। NPSF का पूरा नाम है नेशनल परम सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी। किसके द्वारा विंडोज 2000 का विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट। MS विंडोज किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? GUI। किसकी सहायता से हम कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? माई कंप्यूटर। विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 1998 में। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप। आप अपनी पर्सनल या फोल्डर किस में रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट में। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं? आइकन द्वारा। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किसमें भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन में। फ्रंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की भाषा। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्टून। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? फोर्टून। छोटे बच्चों को ग्राफिक्स रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? लोगो। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। 1 MB किसके समान होता है? 1 मिलियन बिट्स के। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। कितने बाइट मिलाकर 1 KB बनता है? 1024। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? कोडिंग सिस्टम। F1 से F12 तक की क्या कहलाती है? फंक्शन की। लेजर पेंट की छपाई की रफ्तार क्या है? 10 पेस्ट प्रति मिनट से 200 पेस्ट प्रति मिनट। मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? पहली। 1 GB का मान होता है 10 की पावर 9। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति होती है 100 GFLOPS। DOS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिंगल यूजर। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम में किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण। सुपर कंप्यूटर में एक्सपोनेंट कितने रनेज तक होते हैं? ±300। इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम चाहिए? 14.4 KB। ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देते हैं? मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। ISDN की शुरुआत कब हुई? 1990 में। संपूर्ण लैंड नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन को प्रख्यात है? वर्क्स।
वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ? 1985 में। IGA किसका संक्षिप्त रूप है? एनहाइस्ट ग्राफिक्स एडेप्टर। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचनाओं को सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? डीमोडुलेशन। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। वेलकम टू द डंगियोन संदेश के वायरस की पहचान है एल्गोरिथम और की। एक बार में एक पूर्ण लाइन मुद्रित करने वाली प्रिंटर क्या कहलाती है? लाइन एंड पेन पेज प्रिंटर। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? उच्च स्तर। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का नाम क्या है? सीमूर की। डोमेन नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत है .us। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो विलेज पास्कल ने। किसने पंचकार्ड को आरंभ किया? हरमैन हॉल हॉलर्थ। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था? विद्युत। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल कहलाती है कुकीज। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसके ने किया? चार्ल्स बेबेज ने। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम HEC-2M। विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोफेसर किसे माना जाता है? टॉम किलवर्न को। भारत में प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में पहला कंप्यूटर 1955 को कहाँ लगाया गया था? कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। सर्वप्रथम 1971 में जनसंख्या गणना में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया? 1401 IBM P-1401। भारत में कंप्यूटर उद्योग में प्रथम स्थान कौन सा संस्थान है? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर राज रेड्डी। आउटपुट क्या है वह जो प्रोसेसर यूजर को दे? प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। आउटपुट डिवाइस के प्रकार है मॉनिटर और पेंटर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है राइट क्लिकिंग। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? प्रिंटर। टैब कुंजी उपकरण किस्म है? पैराग्राफ इंटेट करने के लिए। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? लेजर प्रिंटर। LCD का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस से क्या संभव बनाता है? डाटा देखना या प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है? प्रिंटर पर। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या माना जाता है? इनपुट। CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है बग्स। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पिता की संज्ञा किसे दी गई? फकीर चंद कोहली। किस प्रकार की भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है? मशीनी भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? बाइनरी। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है TV। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन हैंडल कर सकता है? यूटिलिटीज। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। किस में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है? इनपुट करना। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार को वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पेड। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट एवं आउटपुट द्वारा।
माउस जैसा कार्य कौन करता है? टैग बॉल। कंप्यूटर कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या होती है 12। कौन उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट प्रदान करता है? फ्लोटर्स। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? वीडियो में। कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की क्रिया प्रक्रिया को कहते हैं ऐप EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बेट्स का पूर्ण रूप है वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस। IC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। PEM का पूर्ण रूप है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं 3, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। आकार के आधार पर कंप्यूटर की श्रेणियां हो सकती हैं 3, माइक्रो, वर्क स्टेशन, मिनी। भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का क्या नाम है? वेनेवर होस्ट। साधारण रूप से कंप्यूटर के वे सभी प्रभाग जिसे देखा या छुआ जा सकता है कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में समाहित है यांत्रिक प्रभाग, विद्युत प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग। कंप्यूटर की वे युक्तियाँ जो कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक होती है। स्टैंडर्ड युक्तियाँ कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मॉनिटर आदि। कंप्यूटर से ऑपरेटर का कार्य करते समय संपर्क कहलाता है ऑपरेटर इंटरफेस। सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सॉफ्टवेयर जिसका टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है उसे किस रूप में संदर्भ किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय एवं अंक गणितीय सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है। लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं? लेजर प्रिंटर। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस। कंप्यूटर के नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। एक्टिव सेल के कंटेंट में डिस्प्ले होता है फॉर्मूला वार। .vas, .dos, .html किसके उदाहरण है? एक्सटेंशन के। सेविंग निम्नलिखित में से प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की। ब्लू जीन क्या क्या है? पेंटा फ्लॉप कंप्यूटर। पेंटर की इंक में उपयोग में लाया गया कार्बन है गैस कार्बन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में। वर्ष 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में आने वाली समस्या का क्या नाम था? Y2K। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। ENIAC। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? नवंबर 1984। HEE2M किस किस्म का कंप्यूटर था? वाल्व आधारित। BCA का पूर्ण रूप है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA का पूर्ण रूप है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सद्य संसाधक का प्रारूप है .doc। 1 MB किसके समान होता है? 1 मिलियन बिट्स के। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। कितना बाइट मिलाकर 1 KB बनती है? 224। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से हैं? 0 1। अक्षरों और चिन्हों को वाइट में स्टार करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+C। आगे बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है अमेरिका। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सूचना में। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का एक प्रक्रिया है डीबगिंग। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव नहीं है इंटरनेट। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं पैच। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण कहलाता है बैकअप।
कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और उपयोगता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं प्रोग्राम। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑल राइट। देश के किस राज्य ने सभी विकासखंडों में वो कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया है? आंध्र प्रदेश। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग। द्वि आधारी कोड में विद्युत स्पंदन करना होना क्या कहलाता है? जीरो संख्या। द्वि आधारी कोड के अनुसार विद्युत स्पंदन का होना दर्शाता है एक संख्या। 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी कहलाता है निवल। मेगा वाइट में किस माप आ जाता है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? बेलनाकार। भारत में बना सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का क्या नाम है? परम। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला हिंदी पोर्टल कौन सा है? वेब दुनिया .com। भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित पैरल कंप्यूटर का नाम है अनुपम, जिसका पहला इंटरटेनमेंट वेब कास्टिंग पोर्टल कौन सा है? कोलोसस फर्स्ट। कंप्यूटर के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है? लेडी एडा लवलेस्को। क्रे किस देश की कंपनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई? 26 जून 1970। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रथम प्रोटोटाइप का क्या नाम है? परम 8000। विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित हुआ? 1920 में। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेस्ड डेटा किसे कहा जाता है? आउटपुट को। कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? कंट्रोल यूनिट। किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तुलनात्मक कार्य करता है कंट्रोल यूनिट कहलाते हैं। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं एवं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मॉनिटर। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली शब्दावली RTF का पूर्ण रूप है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। विंडोज साइडवार में मिनी प्रोग्राम जिनको कहते हैं गिजेट्स। विंडो साइड नोट पेड का उपयोग कर तैयार किया गया डॉक्यूमेंट किस सेट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है? .txt। कंप्यूटर में टाइप करते समय जब मार्जिन के दाहिने छोर पर पहुंच जाते हैं तो टेक्स्ट स्वतः ही अगली लाइन में टाइप होने लगता है, इस फीचर को कहते हैं वर्ड ब्रेव। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? फोटोकॉपी से, कॉपियर से। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 4। वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड में संख्य रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई? 2। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे मूलभूत भाग कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसमें गेम खेलना आसान हो जाता है? जॉयस्टिक। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लू पेंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। डे ऑफ प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम कौन सा है? बेबी डॉल। भारत में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी? नई दिल्ली। MISD का पूर्ण नाम है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, डम्ब टर्मिनल कहते हैं उसे। ठीक, चलिए, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर।